नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 13 अप्रैल 2018 के करंट अफेयर्स पे। तो आइए देखते हैं आज 13 अप्रैल को कौन कौन सी ऐसी नेशनल और इंटरनेशनल हेडलाइंस हैं न्यूज़पेपर में जो हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और हमारे करेंट अफेयर का पार्ट हैं। इस चैनल से डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और जीएस का ऑटोमेटिक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलिए और वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक करके इसके लिंक को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इस करेंट अफेयर सेशन से लाभान्वित हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल में सुशील कुमार ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। तो देखिए, सुशील कुमार ने स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में। तो आप याद रखिएगा क्योंकि इस बार के सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है कि सुशील कुमार ने पुरुषों की फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल में। और एक सबसे मुख्य बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। देखिए, सुशील कुमार का लगातार तीसरे राष्ट्रमंडल खेल में ये लगातार तीसरा स्वर्ण पदक है, यानी कि 3 बार से ये लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी कि राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 21वें राष्ट्रमंडल खेल में राहुल आवारे ने किस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है 57 किलोग्राम भार वर्ग में कुश्ती में यानी कि फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में। तो आपको याद रखना है कि राहुल आवारे ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है और इनका नाम भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और राहुल आवारे तथा सुशील कुमार के बाद कुछ अन्य पदक विजेता हैं जिनके नाम जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बबीता फोगाट की। इन्होंने कुश्ती में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है और नवजीत ढिल्लन ने भी डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आप बबीता फोगाट, सीमा पुनिया और नवजीत ढिल्लन का नाम याद रखिएगा क्योंकि इनके नाम जो है काफ़ी चर्चा में रहते हैं और कई बार इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि बबीता फोगाट ने कुश्ती में सिल्वर मेडल, सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल और नवजीत ढिल्लन ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 13 यंग अचीवर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, ये खिलाड़ी हैं हिना सिद्धू और इनका नाम जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इन्होंने भी अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है निशानेबाजी में। तो आपको हिना सिद्धू का नाम याद रखना है। इन्होंने अभी हाल ही में एक गोल्ड मेडल जीता था राष्ट्रमंडल खेलों में और साथ ही साथ इनको जो है अभी फोर्ब्स द्वारा जारी अंडर 13 यंग अचीवर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो आप जो है हिना सिद्धू का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की साप्ताहिक रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए, ये पुरुष खिलाड़ी हैं किदंबी श्रीकांत, जिनको हम के श्रीकांत भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो आपको के श्रीकांत का नाम याद रखना है क्योंकि आगामी जितनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं सब में एक प्रश्न जो है पूछेगा कि हाल ही में कौन से भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की साप्ताहिक रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए। तो आप जो है याद रखिएगा, के श्रीकांत जो है ये दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन की साप्ताहिक रैंकिंग में। और इससे पहले ये रिकॉर्ड केवल प्रकाश पादुकोण के नाम था, ठीक है। 1980 के दशक में जो है प्रकाश पादुकोण जो है ये दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बने थे और उनके बाद फिर जो है के श्रीकांत जो है यानी कि किदंबी श्रीकांत जो है ये बने हैं दुनिया के नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी। और इससे पहले जो महिलाओं की रैंकिंग थी, ठीक है, इसमें साइना नेहवाल मार्च 2015 में दुनिया की पहले नंबर की खिलाड़ी बन चुकी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया गया। तो देखिए, ये देश है बांग्लादेश। तो देखिए, इस चीज़ को आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है। बहुत लोग जो है कन्फ्यूज़ होकर इंडिया पे लगा देंगे क्योंकि अभी इंडिया में भी आरक्षण पे काफ़ी विवाद चल रहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आपको याद रखना है कि बांग्लादेश में हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म कर दिया गया है और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रणाली को ख़त्म करने का फैसला
विशेष समूहों के लिए आरक्षित नौकरियों वाली विवादास्पद नीति के खिलाफ देश भर में हजारों छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद लिया है, तो आप इतनी चीजें याद रखिएगा। अब बात करते हैं बांग्लादेश के ज्योग्राफिकल लोकेशन की। देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका है, ये आपका अफ्रीका का रीजन है और ये आपका यूरोप का रीजन है, ये आपका एशिया का रीजन है और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और कुछ इस स्थान पर अंटार्कटिका लोकेटेड है। और जो एशिया का पार्ट है, इसमें आपको इंडिया का मैप जो दिख रहा है, इसके बीचों बीच में आपको रेड कलर का बांग्लादेश का पार्ट दिख रहा होगा। और देखिए, बांग्लादेश की दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और ये लगती हैं भारत के साथ और म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ। तो आपको याद रखना है कि बांग्लादेश की सीमाएं यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत और म्यांमार के साथ लगती हैं। और देखिए, एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमाएं भारत के कौन कौन से राज्यों से लगती है। तो आज इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं और आपका जो है इससे एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश की सीमाएं लगती हैं वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है, और असम के साथ, मेघालय के साथ, मिजोरम के साथ और त्रिपुरा के साथ। तो आपको याद रखना है कि वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो देखिए, एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश के साथ लगती हैं। तो ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, उनमें से एक सही होता है, बाकी 3 गलत होते हैं। तो आपको अगर इन राज्यों का नाम याद रहेगा तो आप जो है इस प्रश्न को कभी गलत नहीं करेंगे। तो आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की सीमा, असम की सीमा, मेघालय की सीमा, मिजोरम की सीमा और त्रिपुरा की सीमा जो है ये बांग्लादेश के साथ लगती है। तो आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक सवाल है मेरा कि भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, क्योंकि ये प्रश्न जो है हर एग्जाम में लगभग पूछा गया है और कई बार पूछा गया है। तो आपको बताना है कि भारत की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टका। तो आप बांग्लादेश के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस स्थान से भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह सिस्टम 1L को लॉन्च किया है। तो देखिए, यह स्थान है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो देखिए, एग्जाम में एक प्रश्न तो ये भी कई बार पूछा गया कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो अभी आपको बस इतना ही याद रखना है कि जो IRNSS-1L यानी कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह सिस्टम 1L है, इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है। और ये जो IRNSS-1L है, इस तरह के उपग्रह के समूह का ये 8वां उपग्रह है और इसे PSLV-C41 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो देखिए, एग्जाम में एक चीज़ और पूछता है कि कौन सा उपग्रह किस प्रक्षेपण यान से यानी कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो IRNSS-1L है, ये PSLV-C41 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और IRNSS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। अब बात करते हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। देखिए, इसरो के सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं जितने मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसरो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना विक्रम साराभाई ने की थी। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर यानी कि निर्देशक हैं KSIVAN। तो ये चारों के चारों पॉइंट याद रखना है आपको। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके डायरेक्टर का नाम यानी कि KSIVAN का नाम। तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर हैं KSIVAN। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कितने प्रतिशत रहेगी, यानी कि जो प्रेजेंट वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें कितने प्रतिशत रहेगी। तो देखिए, ADB ने अनुमान लगाया कि भारत की GDP वृद्धि दर 7.3% तक रहेगी 2018-19 के वित्तीय वर्ष में। और जो हमारा अगला वित्तीय वर्ष है इसमें भारत की GDP वृद्धि दर 7.6% तक पहुंच जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 चीज़ याद रखनी है। पहला याद रखना है कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में यानी कि वित्तीय वर्ष में 7.3% रहेगी। और इसके अनुमान के अनुसार जो अगला वित्तीय वर्ष है 2019-20 का, इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट जो है ये 7.6% तक पहुंच जाएगी। तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं। अब बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जिसने ये अनुमान लगाया है। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मांडुलियांग, मनीला, फिलीपींस में।
और एग्ज़ाम में आपको या तो मांडुलिया मिलेगा या तो मनीला मिलेगा। कहीं के एग्ज़ाम में मनीला फिलीपींस लिखा होता है, कहीं कहीं पे जो है पूरा एड्रेस लिखा होता है, तो आप इतनी चीज़ याद रखिएगा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं ताके हिको नकाओ, और इसकी स्थापना यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और इसका पर्पज़ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पूरे एशिया में। तो आप एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने प्रस्तावित लगभग 130 किलोमीटर की तेल पाइपलाइन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये देश है बांग्लादेश। और एक मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए अगर आपको एग्ज़ाम में लगभग 130 किलोमीटर दिख रहा है तो आप जो है उसको मानेंगे, अगर वहाँ पर 129.5 किलोमीटर लिखा है तो ये जो है इसको आप पहली प्राथमिकता देंगे, क्योंकि इसकी कुल लंबाई है 129.5 किलोमीटर। लेकिन अगर लगभग में कहें तो 130 किलोमीटर बोल सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको एग्ज़ाम में मिल जाए उस पर टिक कर दीजिएगा, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी होगी 129.5 किलोमीटर। तो देखिए अभी बस इतना ही याद रखना है कि आपको कि भारत ने लगभग 130 किलोमीटर की तेल पाइपलाइन के लिए बांग्लादेश के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हाल ही में हस्ताक्षर किया है, और इस पाइपलाइन की सहायता से भारत हर वर्ष लगभग 1 मिलियन टन तेल पंप करेगा बांग्लादेश को। तो आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और एक चीज़ देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि भारत ने नेपाल के साथ भी एक एग्रीमेंट किया था बिहार से नेपाल तक जो है एक तेल की पाइपलाइन बैठाने का, तो आप दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो देखिए कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जब भारत की यात्रा पर आई थी तो प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच में कई सारे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए थे, लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत के विदेश सचिव जो है बांग्लादेश गए थे और इन समझौते ज्ञापनों की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए अभी ये टोटल समझौते हो गए हैं 22, यानी कि टोटल 22 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में। और इनमें से जो मुख्य समझौते हैं ये हैं नुमालीगढ़ और परबातीपुर के बीच पाइपलाइन पर MOU का कार्यान्वयन, और दूसरा है प्रसार भारती और बांग्लादेश बेतार के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन, और तीसरा समझौता है ढाका विश्वविद्यालय में ICCR उर्दू पीठ की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन, और जो चौथा सबसे मुख्य है यह बांग्लादेश की 500 स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ ही रंगपुर शहर के विभिन्न सड़कों का उन्नयन शामिल है इसमें। तो आपको ये चारों समझौते याद रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को कोस्ट गार्ड कमांडर पश्चिमी क्षेत्र के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो विजय चाफेकर हैं इनको अभी हाल ही में कोस्ट गार्ड कमांडर नियुक्त किया गया है पश्चिमी क्षेत्र का, तो आप विजय चाफेकर का नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये अभिनेता हैं रणवीर सिंह, और इसके पहले अनुष्का शर्मा को, और अब जो है रणवीर सिंह को तथा तमन्ना भाटिया को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है, यानी कि टोटल 3 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि रणवीर सिंह को, अनुष्का शर्मा को और तमन्ना भाटिया को 2018 के दादा साहब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, और इन तीनों का नाम जो है आपको याद रखना है क्योंकि इस बार के सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये व्यक्ति हैं राजेश रंजन, और ये पदभार अपना संभाले रहेंगे 30 नवंबर 2020 तक, यानी कि इनका कार्यकाल जो है 30 नवंबर 2020 तक बना रहेगा और 30 नवंबर को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। और ये स्थान लेंगे OP सिंह का। देखिए OP सिंह का हाल ही में अपॉइंटमेंट हो गया था उत्तर प्रदेश के DGP के रूप में, तब से ये पोस्ट खाली था, ठीक है। तो अब इसको जो है राजेश रंजन संभाले जा रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि राजेश रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने स्थान लिया है OP सिंह का। अब बात करते हैं CISF की। देखिए CISF का स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 को, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो आपको CISF के बारे में इतनी चीज़ें याद रखनी है, लेकिन सबसे पहले राजेश रंजन का नाम याद रखना है इनको CISF के महानिदेशक के रूप में यानी कि डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। आज का करेंट अफेयर सेशन ही समाप्त होता है, कल मैं फिर आपके लिए डेली करेंट अफेयर सेशन लेके आऊँगा। आपका काम है वीडियो को लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद इसको शेयर कर देना। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।